जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जो टीचर एजुकेशन इन इंडिया ग्रुप के एडमिन हैं। इन्होंने जो लॉकडाउन की अवधि में ज्ञान रूपी यज्ञ के अनुष्ठान का जो आयोजन किया है और जिसमें आहुत डालने के लिए संपूर्ण भारत के शिक्षाविद विषय विशेषज्ञों के साथ में मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सोमू जी को हृदय से साधुवाद और इस शुभ संकल्प के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा टॉपिक है योग शिक्षा और दर्शन, सॉरी योग दर्शन और शिक्षा। शिक्षा के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि शिक्षा जो है वह किसी भी समाज में जो चलने वाली है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। बिना उद्देश्य के सीखा नहीं जा सकता है, अर्थात हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है वह हमारी जन्मजात शक्ति का विकास करती है, जिसके द्वारा बालक के ज्ञान में सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है, जिसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है। दर्शन, मेरा ये मानना है कि दर्शन एक ऐसा विषय है जो खंडन और मंडन पर आधारित है। दर्शन एक विचारधारा है, इसीलिए शोपेनहावर ने कहा भी है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वह दार्शनिक है, अर्थात दर्शन के माध्यम से व्यक्ति में तर्क करने की, कल्पना करने की, विचार करने की शक्ति जागृत होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में विवेक जागृत होता है। या अगर हम सामान्य अर्थों में इसे कहना चाहें कि दर्शन हमें यह बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, अर्थात समाज में कौन से कार्य करणीय हैं और कौन से कार्य अकरणीय हैं, इसका जो निर्धारण है वह दर्शन करता है। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं क्या सही है क्या गलत है, तब तक हम आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा टॉपिक है योग दर्शन, तो सामान्य रूप में हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन बताए गए हैं, जिसका निर्धारण जो है वह आस्तिक और नास्तिक के आधार पर किया गया है। जबकि आप देखिए कि समाज में एक अवधारणा है कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है वह नास्तिक कहलाता है और जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक कहलाता है। यह एक सामाजिक अवधारणा है, किंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से जो है ऐसा नहीं है। नास्तिको वेद निंदका, अर्थात जो वेद की निंदा करता है उसे दर्शन में नास्तिक कहा गया है। या इसको हम और सरलीकरण कर लें, क्योंकि मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि यह जो मेरा व्याख्यान है वह केवल एमएड और बीएड के विद्यार्थियों के लिए ही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक है वह कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब बीएड में पहली बार स्टूडेंट आता है और वह दर्शन जैसे विषय को जब सुनता है तो बड़ा ही उसके मन में एक नीरस सा भाव उत्पन्न होता है। जबकि मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति ने दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, निश्चित रूप से वह अपने उद्देश्यों को
प्राप्त करने में सफल होगा। मैं फिर वहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो आस्तिक और नास्तिक है, नास्तिक हमारे तीन दर्शन बताए गए हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। आस्तिक हमारे दर्शन छः हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। यद्यपि ये आस्तिक और नास्तिक में कुछ ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को मानते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन हमारा ईश्वर को मानता है किंतु वेद को नहीं मानता है, इसलिए वह नास्तिक की श्रेणी में रखा गया है। सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, ईश्वर को प्रमाण के रूप में नहीं मानता है किंतु वेद को प्रमाण के रूप में मानता है, इसलिए वह आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। योग, भारतीय दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। यह एक आध्यात्मिक प्राचीन प्रक्रिया है। इसका वर्णन हमें वेद, पुराण और उपनिषदों में प्राप्त होता है। बल्कि कह लिया जाए कि जो सैंधव कालीन हमारी सभ्यता है उसमें मोहनजोदड़ो में एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो योग मुद्रा की स्थिति में थी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिंधुकालीन सभ्यता में भी योग प्रक्रिया का सामान्य रूप से चलन था। जैन और बौद्ध साहित्यों में भी योग प्रक्रिया का हमें विवेचन देखने को मिलता है। नाथ संप्रदायों में भी, एक गोरखनाथ संप्रदाय है उसमें भी जो है योग प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। योग के कई प्रकार बताए गए हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग और हठ योग, ये हमारे छह योग बताए गए हैं, जिसमें से ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को भारतीय दर्शन की आत्मा माना गया है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि व्यक्ति ज्ञान और कर्म और भक्ति को आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। अब ज्ञान योग के बारे में क्या बताया गया, मैं सामान्य रूप से बताना चाहूँगा कि ज्ञान योग में ईश्वर से संबंध जोड़ने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। अर्थात जब तक आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारा ईश्वर से आत्मसात नहीं हो सकता है। ज्ञान योग की एक साधना है, रिते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और इस तत्व ज्ञान की जो अनुभूति होती है वह स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा ही संभव है, क्योंकि अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अध्ययन नहीं करेगा या ध्यान नहीं लगाएगा, एकाग्रचित्त नहीं होगा, तब तक वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब हम कर्मयोग में आएंगे। सभी जानते हैं कि गीता में निष्काम कर्म के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से बताया गया है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म, निष्काम कर्म, मन को इंद्रियों के विषय से हटाकर कर्म करना निष्काम कर्म है। एक्चुअल होता क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह बहुत ही चंचल होती है और वह भौतिक सुखों की ओर अत्यधिक आकृष्ट होती है। और निष्काम कर्म ये कहता है कि सिर्फ आपका कर्म करने में अधिकार है, फल की आप चेष्टा न करें। भक्ति योग, भक्ति का अर्थ ही है सेवा करना, अर्थात सेवा के द्वारा ही परमात्मा से संबंध जोड़ना ही भक्ति योग है। इन तीनों योग को भारतीय दर्शन की आत्मा कहा गया है। अब हम राजयोग के बारे में भी थोड़ा सा सामान्य चर्चा इसलिए करेंगे कि योग जो महर्षि पतंजलि का हमारा योग दर्शन है वह राजयोग पर आधारित है। और राजयोग सबसे उत्तम कोटि का योग माना गया है क्योंकि इसमें सभी योगों का सम्मिश्रण है।
इसीलिए इसे सभी योगों का राजा भी कहा गया है। सभी योग के सामग्री इसमें मिश्रित है। सुनील जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि योग दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। मैं बताना चाहूँगा सुनील जी, ये अभी अभी स्टार्टिंग है, हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि अभी हमारा योग और शिक्षा दोनों के बारे में हमें इसमें बातें बतानी है, तो हो सकता है कि तब तक आपकी जो ये जिज्ञासा है वह शांत हो जाए और लास्ट में हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इन बिंदुओं में जहाँ तक अभी हमने बात की है, यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। योग को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में जो प्रतिष्ठित करने का श्रेय दूसरी शताब्दी में महर्षि पतंजलि को माना जाता है, वह इसके प्रवर्तक कहलाए हैं। और पतंजलि का जो योग दर्शन है वह राज दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब योग का अर्थ क्या है? योग का सामान्य अर्थ में तो मिलन होता है, हम आत्मा का मिलन कह सकते हैं। वह स्थिति है जहां पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी कभी विचलित नहीं होता है। योगी की स्थिति जो हमारे आष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, उस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति योगी बनता है। जब वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती, सांख्य दर्शन में योग के बारे में बताया गया है कि पुरुष प्रकृत्योर वियोगेपि योग इत्यमधीयते, अर्थात पुरुष तथा प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित करना, अर्थात उसके भेद को समझना। यदि हम प्रकृति और पुरुष के विवेक को जान जाते हैं तो वही योग है। भगवद गीता के अनुसार सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग युच्यते, अर्थात जिस व्यक्ति में सुख और दुख, लाभ और हानि, शत्रु और मित्र, शीत और उष्ण, इन दोनों में जो व्यक्ति समत्व भाव रखता है, जो दोनों ही स्थितियों में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों ही स्थितियों में वह समान भाव से रहता है, उसे गीता में योग कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। महर्षि पतंजलि ने योग की क्या परिभाषा दी? उन्होंने बताया योगस चित्त वृत्त निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है, अर्थात यदि हम चित्त वृत्तियों को रोक लें उस वह जो अवस्था कहलाएगी वह योग है, या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह वह अवस्था है, इस अवस्था को लाने के उपाय को हम योग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है योगश चित्त वृत्ति निरोधा है, चित्त का क्या अर्थ है? तो योग दर्शन में चित्त का अर्थ है अंतःकरण, और अंतःकरण के भी तीन स्तर बताए गए हैं, मन, अहंकार और बुद्धि, ये तीनों ही अंतःकरण के आते हैं, और योग दर्शन में इन तीनों को ही चित्त कहा गया है। यद्यपि चित्त जो है वह अचेतन अवस्था में रहता है, अत्यंत सूक्ष्म है और वह पुरुष के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। एक बात मैं बता दूं, दर्शन में पुरुष जो है वह आत्मा के बारे में संबोधित करता है। पुरुष के चैतन्य से प्रभावित होने पर ही जो जड़ चित्त है वह चेतनवत प्रतीत होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसे आग में तपा हुआ एक लोहे का गोला, अग्नि का गोला लगने लगता है और ठंडा लोहे का गोला अग्नि गोलक बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि
जो वह लोहे का गोला होता है, जब वह आग में तपाया जाता है तो वह एक अग्नि का गोला बन जाता है, और उस निराकार अग्नि के साकार तथा सीमित गोले का एक रूप ले लेती है। और इस प्रकार चेतन पुरुष के संसर्ग के कारण अचेतन चित्त भी जो है वह चेतनवत प्रतीत होने लगता है। चित्त वृत्तियों के निरोध से तात्पर्य, अर्थात चित्त वृत्तियों को सांसारिक भोग से हटाकर ईश्वर की ओर लगाने से है। अब योग दर्शन में चित्त की भी पांच अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है क्षिप्त। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण का आधिक्य होता है, और जिस व्यक्ति में या जिस इसमें क्षिप्त अवस्था में जब रजोगुण की अधिकता होती है तो व्यक्ति में अस्थिरता, चंचलता और विषयोन्मुख होकर सुख और दुख दोनों को ही वह भोगता है। क्षिप्त की अवस्था में व्यक्ति में चंचलता अत्यधिक रहती है, सुख और दुख दोनों को ही भोगता है। जैसे तूफान में घिरी हुई एक नाव, नाव की स्थिति निरंतर दोलायमान रहती है, उसी प्रकार से क्षिप्तावस्था में व्यक्ति भी जो है वह चंचल रहता है। दूसरी अवस्था है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त में तमोगुण की अधिकता रहती है, और तमोगुण के विद्यमान होने से व्यक्ति जो है वह विवेक शून्य हो जाता है, अर्थात उसमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं रह जाती है, जिसके कारण से वह अकरणीय कार्यों में प्रवृत्त होता है। अर्थात मूढ़ चित्तावस्था में व्यक्ति यह निर्धारित नहीं कर पाता है कि समाज में कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से कार्य करने योग्य नहीं हैं, इनका निर्धारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण व्यक्ति में प्रमाद, आलस्य और निद्रा और तथा विवेकहीन कार्यों में वह प्रवृत्त हो जाता है। तीसरी अवस्था विक्षिप्त चित्त बताया गया है। इसमें सत्व गुण की अधिकता होती है, वह दुख के कारणों को त्याग कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त होता है। चौथी अवस्था है हमारी एकाग्र। यहाँ सत्व की अधिकता होती है। यहाँ पर एकाग्रता की स्थिति में रजोगुण और तमोगुण दोनों ही दबे रहते हैं, अर्थात चित्त वृत्तियों से रहित होकर के व्यक्ति अपने ध्येय पर एकाग्र रहता है। पांचवी अवस्था है निरुद्ध। यहाँ वृत्तियों का कुछ काल तक निरोध किया जाता है। तो ये हमारे चित्त की पांच अवस्थाएं बताई गई, क्षिप्त, मूढ़ चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब चित्त वृत्तियों का निरोध, तो चित्त की पांच अवस्थाएं हो गई। दूसरा है वृत्ति। वृत्ति क्या है? जब चित्त इंद्रियों द्वारा वह विषयों के संपर्क में आता है, चित्त जो अंतःकरण है वह जब हमारी विषयों के इंद्रियों के संपर्क में आता है, सॉरी जब चित्त इंद्रियों द्वारा विषयों के संपर्क में आता है तब वहां पर वह विषय का आकार ग्रहण करता है, और इसी को वृत्ति कहते हैं। अब चित्त वृत्तियां भी योग में पांच प्रकार की बताई गई हैं। पहला है प्रमाण, यह सत्य ज्ञान है, और यह तीन प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये हमारे योग दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं, बताए गए हैं। यद्यपि छह प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। पहला है प्रत्यक्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अन्नम भट्ट ने एक परिभाषा दी है
कि प्रत्यक्ष वह है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रिय जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि इंद्रियों को ही, ज्ञानेंद्रियों को ही ज्ञान का द्वार माना गया है, अर्थात जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह इंद्रियों के ही द्वारा प्राप्त किया जाता है। इंद्रियों में यहाँ पर योग दर्शन में ज्ञानेंद्रियां और मन और अर्थ, अर्थ के अंतर्गत वाह विषय और अंतः भाव दोनों ही आते हैं। वाह विषय में अर्थात जब आत्मा का मन से संपर्क और मन का जब इंद्रिय से संपर्क और इंद्रियों का जब वाह पदार्थ से संपर्क होता है तब वस्तु का ज्ञान होता है। पाश्चात्य दार्शनिकों में बर्कले ने भी बताया कि किसी भी वस्तु की जो प्रतीत होती है वह आत्मा अर्थात मन के कारण होती है। दूसरी ओर योग का मानना है कि जब तक चित्त इंद्रियों को वस्तु विशेष की ओर नहीं लगाता है तब तक इंद्रियां जो है वह क्रियाशील नहीं होती। योग के अनुसार प्रत्यक्ष विधि को पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि माना गया है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि प्रारंभ में बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह प्रत्यक्ष विधि के ही माध्यम से प्राप्त करता है और इस ज्ञान के आधार पर वह बालक सीखता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को शिक्षा का आधार भी माना गया है। दूसरा है अनुमान। अनुमान अर्थात एक ज्ञान के पश्चात उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह अनुमान कहलाता है, अर्थात किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला जो ज्ञान है वह अनुमान कहलाता है। आज की जो हमारी आगमन और निगमन विधि है वह भी इसी अनुमान विधि पर ही आधारित है। जो हमारी अरस्तु की आगमन और निगमन, आगमन वह जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, जैसे राम एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं और अतः राम भी मरणशील है, तो यह है हमारी आगमन विधि कहलाई। और जो निगमन विधि है वह विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है, अतः राम भी मरणशील है। तो आगमन विधि जो है वह अनुमान विधि पर आधारित है। विज्ञान की खोज विधि भी जो है वह भी अनुमान पर आधारित है। अगर हम इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की बात अगर हम करें तो आज के समय हम देखें कि पूरा विश्व जो है वह COVID-19 की महामारी से गुजर रहा है और जितने भी हमारे डॉक्टरों की एक टीम है पूरी वह COVID-19 के वैक्सीन के रिसर्च पर ही लगी हुई है। अभी कल ही न्यूज़ में आ रहा था कि इंडिया, इज़राइल और इटली, इन तीनों देशों ने ही इस बात को कहा है कि हम वैक्सीन की खोज में आगे बढ़ चुके हैं। तो वह जो विज्ञान की वह जो खोज हो रही है वह पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अर्थात आप देखिए कि जितने भी डॉक्टर्स आज वैक्सीन को खोजने के लिए लगे हुए हैं वह अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की जो यह खोज विधि है वह अनुमान विधि पर आधारित है। अनुमान विधि सीखने और सिखाने की एक विधि है। एक उदाहरण से हम और स्पष्ट करना चाहेंगे कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वग्नी, न्याय दर्शन में उदाहरण दिया गया है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा हम पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाते हैं। यद्यपि अनुमान जो है हमारा वह प्रोबेबिलिटी बेस पर होता है, 50% सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, अनुमान पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता है। तीसरा है हमारा शब्द प्रमाण। शब्द का अर्थ है आप्त मनुष्य की वाणी। अब क्वेश्चन होता है कि आप्त मनुष्य किसे कहते हैं, अर्थात आप्त वक्ता को कहते हैं। आप्त मनुष्यों के मुख से सुनकर
अथवा उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना है। शब्द विधि जो है वह भी ज्ञान प्राप्त करने की सर्वव्यापक विधि है। एक उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि न्यूटन ने जो लॉ बताया कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, अर्थात उन लोगों ने जिन सिद्धांतों को समाज में स्थापित कर दिया है, या वेद में जो प्रमाण के रूप में जिन बातों को आज हम प्रस्तुत करते हैं, वह हमारे आप्तवाक्य हैं। आज की जो हमारी पाठ्यपुस्तक प्रणाली भी है, वह भी एक शब्द विधि का रूप है। आज के यदि हम मानव जीवन में सीखने की बात करते हैं, जिसमें प्रेस है, टेलीविजन है, रेडियो है, इसका बड़ा ही महत्व है। यह सब शब्द के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार शब्द प्रणाली सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली है, जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब हम वृत्तियों की बात कर रहे थे, तो पांच प्रकार की वृत्तियां बताई गई। पहला हमारा प्रमाण था, दूसरा हमारा विपर्यय है। विपर्यय इसे मिथ्या ज्ञान अर्थात जो असत्य ज्ञान हो, इसी को हम संशय भी कहते हैं। कई बार संशय की स्थिति में हमें असत्य की अनुभूति होने लगती है, इसी को हम भ्रम भी कहते हैं। अर्थात विपर्यय को हम मिथ्या भी कह सकते हैं, संशय भी कह सकते हैं और भ्रम भी कहते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीत। अब रज्जु को देखते ही हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद सर्प होगा, तो वह जो भ्रम की स्थिति के कारण व्यक्ति को विपर्यय उत्पन्न हो रहा है, वह मिथ्या ज्ञान जो हो रहा है, जो असत्य है, इसे हम विपर्यय कहते हैं। व्रत की जो तीसरी स्थिति है वह है विकल्प। विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य है, अर्थात शून्य ज्ञान है, यह एक कल्पना मात्र है। जैसे हम एक उदाहरण से लें, कोई कहे कि आकाश में पुष्प खिलते हैं, तो यह आकाश में जो पुष्प खिलते हैं, यह जो सत्य वस्तु की हमें अनुभूति हुई, यह शून्य ज्ञान है। यह कभी संभव नहीं है कि आकाश में पुष्प खिलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है निद्रा। निद्रा को ज्ञान का अभाव माना जाता है। और पांचवा है स्मृति। स्मृति यह संस्कार से उत्पन्न ज्ञान है, अर्थात किसी वस्तु का अनुभव होने पर उसके संस्कार हमारे आत्मा में रह जाते हैं। आप देखिए कि जब भी हम किसी प्रयोग को करते हैं, किसी नवीन ज्ञान को सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी आत्मा में बहुत चीज़ें जो है रह जाती हैं। और जब बाद में वही जागृता अवस्था में मन में पूर्व अनुभूत वस्तु को उपस्थित कर देते हैं, इसे हम स्मृति कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि चित्त की पांच अवस्थाएं बताई गई हैं और वृत्तियों की भी पांच अवस्थाएं बताई गई हैं। अब हम सभी को पता है कि दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी तत्व मीमांसा को समझ लें। अब प्रश्न उठता है कि तत्व मीमांसा क्या है? तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान की उस शाखा में जिसमें हम अमूर्त प्रश्नों पर विचार करते हैं, जैसे जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है इत्यादि, इन प्रश्नों का उत्तर हम दर्शन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। अब योग दर्शन को शेषर सांग कहा गया है। शेषर अर्थात ईश्वर के सहित, और सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के तत्व को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात सांख्य में 25 तत्वों की व्याख्या की गई है, 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, और योग दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं। अब हम सामान्य रूप में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि वो 26 तत्व कौन से हैं। पांच हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा। पांच हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी गुदा और जननेन्द्रिय।
पंच महाभूत हैं, इनको हम सभी जानते हैं कि छितजल पावक गगन गगन समीर, अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और पंच महाभूतों से ही पंच तन्मात्राओं का भी विकास होता है, अर्थात पृथ्वी तन्मात्रा से गंध का, जल से रस का, वायु से स्पर्श तन्मात्रा का, अग्नि से रूप तन्मात्रा का और आकाश से शब्द तन्मात्रा का विकास होता है। तो पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, ये हमारे 20 हो गए। फिर महत, अहंकार और मन तथा प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व सांख्य दर्शन में भी हैं और योग दर्शन में भी हैं। और चूंकि ईश्वर को एक तत्व के रूप में योग दर्शन ने स्वीकार किया है, इसीलिए इसे इसमें 26 तत्व को स्वीकार किया गया है। योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष के योग से सृष्टि का निर्माण होता है, इसीलिए इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। द्वैत से तात्पर्य जो दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता है वह द्वैतवादी कहलाता है, और अद्वैत वह कहलाता है जो दो को न मानता हो एक को मानता हो, अर्थात जैसा शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ सत्य है, अर्थात वह अद्वैतवादी दर्शन हुआ। और जो दोनों की सत्ताओं को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता है उसे हम द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। अब प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति में सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का समुच्चय है। सत्व गुण का कार्य है सुख, रजोगुण का कार्य है दुख और तमोगुण का कार्य है मोह, और इन तीनों गुणों के भी गुण बताए गए हैं, अर्थात प्रकाश तत्व, जल तत्व और गुरुत्व। गुण का एक अर्थ डोरी भी होता है, अर्थात यह तीन डोरियां हैं, सत्व रज और तम, ये एक तीनों डोरियां हैं जिनको मिला करके प्रकृति रूपी रस्सी बनती है, और जिसमें पुरुष रूपी पशु जो है वह संसार में बंधा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से ही आवृत रहता है। सत्व गुण स्वच्छता का प्रतीक है, इसके अंतर्गत सरलता, प्रीति, श्रद्धा, संतोष, विवेक, दया आदि सुखद भाव आते हैं, ये सत्वगुण की विशेषताएं बता रहे थे हम, जिसमें सत्वगुण के जिस व्यक्ति में प्रधानता होगी वह बहुत ही सहज होगा, बहुत ही सरल होता है, उसमें संतोष होता है, विवेक, दया इत्यादि भावनाओं का विकास होता है। रजोगुण अशुद्ध का प्रतीक है, इसमें दुख उत्पन्न होता है, दुख के कारण मान, मद, द्वेष, क्रोध, मत्सर आदि दुखद भाव आते हैं। और तमोगुण अंधकार या अज्ञान का प्रतीक है, इसका कार्य या इसके अंतर्गत व्यक्ति में मोह उत्पन्न हो जाता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मूर्छा, अज्ञान आदि विषाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना है कि हमारे अंतर्गत या हमारे अंतःकरण में सत्व गुण का ही अत्यधिक विकास हो, क्योंकि यदि रजो और तमो गुण की ओर हम प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें दुख की अनुभूति होगी। अतः शिक्षा के माध्यम से हम यह प्रयास करें कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में सत्व गुण का विकास हो, जिसके कारण से हम आगे बढ़ने में, विकास करने में अग्रसर होंगे। एक उदाहरण से और स्पष्ट करना चाहेंगे, जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला, तीन पार्ट्स हुए, तेल, बत्ती और ज्वाला, परस्पर विरोधी होते हुए भी मिलकर प्रकाश करते हैं,
एक साथ मिलते हैं तभी वह ज्योति प्रज्वलित होती है, और यदि तीनों का सम्मिश्रण न किया जाए तो शायद वह जो प्रकाश है वह प्रज्वलित नहीं हो सकता है। सेम उसी प्रकार से जब तक यह तीनों गुण व्यक्ति में व्याप्त नहीं होंगे, अर्थात यद्यपि यह आवश्यक है कि सत्व गुण की प्रधानता होनी चाहिए, फिर भी व्यक्ति में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का ही अधिक रहता है, जिसमें हमें सत्व गुण पर अत्यधिक बल देना चाहिए, उसी से व्यक्ति के प्रयोजन की सिद्धि होती है। पुरुष चेतन तत्व है और आत्मा का पर्याय है, इसका कोई अपना स्वरूप नहीं होता है, यह तो निर्गुण है। हाँ, हमें यह ध्यान रखना है, पुरुष को फिर एक बार मैं बता दूं कि आत्मा के रूप में माना गया है, अर्थात यह जो आत्मा है वह संसार के प्रत्येक जीव में एक स्वतंत्र पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है। ध्यान देना, यह योग का मानना है। योग कहता है कि आत्मा जो है वह संसार के प्रत्येक प्राणियों में एक स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है, और प्रकृति तो केवल जड़ है, बिना पुरुष चेतन के इसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ जो है, प्रकृति जो है वह जड़ है और पुरुष जो है वह चेतन है। पुरुष केवल चेतन है, बिना जड़ माध्यम से वह भी क्रिया नहीं कर सकता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, जड़ और चेतन दोनों मिल करके ही क्रिया करते हैं। अर्थात तो सृष्टि की रचना में भी योग दर्शन में जो बताया गया है, ईश्वर को निमित्त कारण माना गया है और पुरुष को उसका उपादान कारण माना गया है। ईश्वर को अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान माना है योग दर्शन में, कि वह अनादिकाल से चला आ रहा है, सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त है, सर्वशक्तिशाली है। आत्मा के संबंध में योग कहती है कि यह शरीर विशेष में रहती है, और जो ईश्वर है वह सब में रहता है। इसलिए योग दर्शन के अनुसार प्राणी की जीवात्मा ही कर्म फल का फल भोगती है, ईश्वर नहीं। क्योंकि फिर ध्यान दीजिए, योग दर्शन में आत्मा को प्रत्येक पुरुष में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया, और ईश्वर जो है वह जड़ और चेतन दोनों में ही विद्यमान रहता है। अर्थात जो कर्म का फल भोगता है वह आत्मा भोगती है, ईश्वर नहीं। अब हम ज्ञान मीमांसा में बात करेंगे सामान्य से कि योग दर्शन जो है वह वस्तु जगत के ज्ञान की प्राप्ति करता है। वो कहता है कि इंद्रियां और अंतःकरण, अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि को मानता है। सिर्फ अंतर इतना है कि यह मन और बुद्धि और अहंकार, इसके समुच्चय को वह चित्त की संज्ञा देता है। अर्थात जब मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों और चित्त के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है, लेकिन योगी को यह ज्ञान सीधे चित्त द्वारा प्राप्त हो जाता है। दोनों में ये अंतर है, क्योंकि योगी जो वह अष्टांगिक नियमों को प्राप्त करके बनता है, इसलिए वह ज्ञान की अनुभूति डायरेक्ट चित्त के माध्यम से कर लेता है, और जबकि सामान्य पुरुष जो वह है अपने इंद्रियों को वह चित्त के माध्यम से जब आत्मा को प्राप्त होती है तभी उसे बाह्य वस्तु की प्राप्ति होती है। आचार मीमांसा में योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। अब चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यम को क्यों, थोड़ा सा यहां मैं बता दूं, चूंकि जो चित्तवृत्तियों का निरोध से जब तक व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मानुभूति, यह संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है पहले व्यक्ति यम के नियम का पालन करे, और यम का नियम पालन करने के लिए व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा
इसका पालन करना पड़ेगा। अब मनसा वाचा कर्मणा क्या है, अर्थात मन, मन से अर्थात हमारी जो विचारधारा है, हमारी दो जो सोच है वह पवित्र हो, वचन से और कर्म से, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र नहीं होंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम यम को फॉलो नहीं कर सकते। और इसे मनसा वाचा कर्मणा को फॉलो करने के लिए आवश्यक है व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन आवश्यक बताया गया है। अब सत्य क्या है, अर्थात सामान्य रूप में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कभी भी किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय में झूठ न बोलना, अर्थात सभी तथ्यों को बिल्कुल सच्चे भाव से और स्पष्ट भाव में, स्पष्ट भाषा में प्रदान करना ही सत्य कहलाता है। अर्थात कभी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और सच को ही जीवन में प्रयोग करना व्यक्ति का नियम होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्य प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ध्यान है कि हमारा पहला तो हमें फॉलो करना है कि हम पूर्णतः सत्य का पालन करें मनसा वाचा कर्मणा से, और प्रिय भी बोलें, अर्थात प्रिय बोलने के लिए सत्य गुण की प्रधानता होनी चाहिए व्यक्ति में। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य अप्रिय बोलना नहीं चाहिए। फिर ध्यान दें, हम सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन हमारा जो बोलने का तरीका है वह प्रिय नहीं है, वह मधुर नहीं है, वह लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, अर्थात हम सत्य अप्रिय है, अर्थात सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ी सूक्त बताई गई है कि कभी भी हमें असत्य जो है वह मीठा नहीं बोलना चाहिए, लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि हम मीठे मीठे भाव से हमने व्यक्ति को असत्य रूप से बोल दिया। अर्थात यम को फॉलो करने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा के साथ सत्य को फॉलो करना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। सूत्र के अनुसार अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात मन, वाणी व शरीर से किसी से किसी भी प्राणी को कभी भी प्रकार की हिंसा न देना ही, किसी भी प्रकार का दुख न देना ही अहिंसा है। फिर ध्यान दें, मनसा वाचा कर्मणा और वचन, किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार के दुख हिंसा है। अर्थात फिर ध्यान दें, हम हिंसा नहीं करते हैं, इतना ही नहीं है, अर्थात मन से यदि हमारे मन के प्रति यदि द्वेष की भावना बैठ जाती है कि वह व्यक्ति निरंतर प्रगति कर रहा है, वह हमसे बढ़ करके है, इट मीन्स कि आप अहिंसा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अर्थात हमें मन से भी पवित्र होना है, हमारे मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति ऐसी कोई भी भावना ना आए तब व्यक्ति वह अहिंसा का फॉलो होता है। मन, वचन, वचन से, अर्थात कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि हम असत्य बोलते हैं, अप्रिय बोल रहे हैं, इसका मतलब योग दर्शन के अनुसार हम अहिंसा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात व्यक्ति को हर जीवन के हर स्थिति में हिंसा का कभी भी कोई भी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, जिससे वह इंसान नहीं एक पशु का रूप धारण कर ले। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, अहिंसा जो है वह परम धर्म है और जैन दर्शन में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। थर्ड है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से तात्पर्य केवल हम चुपके से किसी वस्तु को चुराना, इतना ही नहीं है, अर्थात केवल व्यक्ति को अपनी स्वयं की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी किसी भी स्थिति में, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वह
बहुत ही विषय के प्रति उन्मुख होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पास साथ में बैठे हुए हैं और किसी का कोई भी वस्तु प्रिय लगी, बिना अनुमति के हम उसे देखने लगते हैं, उसका प्रयोग करने लगते हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो वह अस्तेय कहलाता है। अस्तेय सिर्फ चोरी करना ही नहीं, अपितु बिना किसी अनुमति के उस वस्तु का प्रयोग करना भी अस्तेय कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अब आता है ब्रह्मचर्य। तो योग सूत्र में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, अर्थात ब्रह्मचर्य की जो सुदृढ़ स्थित होती है उससे तेज बढ़ता है। अर्थात ब्रह्मचर्य के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति के लिए गलत भावना न होना और स्वयं को गृहस्थ जीवन से मुक्त रखना, दो स्थितियां हैं। एक तो विषम लिंगी के प्रति न तो आकर्षण हो और दूसरा है गृहस्थ जीवन से मुक्त रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अर्थात इसमें हमें, इस स्थिति में हमें अपनी इंद्रियों को अत्यधिक कंट्रोल करना चाहिए यदि हम यम को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम यम के बारे में बात कर रहे हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का परित्याग करने का निश्चय कर लेता है वह स्थिति अपरिग्रह कहलाती है। अर्थात सात्विक जीवन जीने के लिए यम के पांचों नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो अब यम आष्टांगिक मार्ग का पहला हुआ यम, दूसरा है हमारा नियम। इसे व्यक्तिगत धर्म भी कहा गया है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े होते हैं। और पतंजलि ने योग सूत्र में नियम भी पांच प्रकार के बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। ये पांच नियम बताए गए हैं। सामान्य में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता के, अभी जान लीजिए, पवित्रता के भी दो रूप होते हैं। एक तो होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। अर्थात बाह्य शारीरिक रूप से अपने को स्वच्छ रखना, नित्य नैतिक क्रियाओं से प्रवृत्त रहना, साफ सुथरे वस्त्रों को पहनना, ये हमारी बाह्य पवित्रता कहलाती है। लेकिन पवित्रता दो प्रकार की है, बाह्य और आंतरिक। और आंतरिक पवित्रता का अर्थ है किसी भी अन्य पुरुष के लिए द्वेष या जलन की भावना न रखना, ये हमारा आंतरिक पवित्रता कहलाती है। अर्थात दूसरे की प्रगति या सुख को देख करके दुखी न होना व्यक्ति के मन की पवित्रता को बताता है। अर्थात नियम को फॉलो करने के लिए जो पहला शौच, शौच से तात्पर्य पवित्रता, और पवित्रता में हमें अपने अंतःकरण के पार्ट को और बाह्य दोनों को ही हमें पवित्र रखना है। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ है कि जितना प्राप्त हो उसी में सुखी तथा संतुष्ट रहना। अर्थात जितना हमारे पास ने, ईश्वर ने जितना हमें दे दिया है उसी में ही हमें सुख की अनुभूति करनी चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों में जो हमारा मन है वह अत्यधिक चंचल होता है, वह किसी भी वस्तु के प्रति प्रेरित हो जाता है। जैसा कि अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ, उन्होंने भी कहा है कि मनुष्य की इच्छाएं जो असीमित होती हैं क्योंकि एक की प्राप्ति होने के पश्चात तुरंत ही हमारे मन में दूसरे वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रवृत्त होती है। तो संतोष को प्राप्त करने का मुख्य साधन है जितना प्राप्त हो उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोष ही परम सुख है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यः। अर्थात संतोष ही प्राणी को परम सुखी व संयमी बनाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, यदि संतोष नहीं होगा तो इसका मतलब आप संयमित नहीं हैं।
आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। सुख की अनुभूति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, अर्थात जिस स्थिति में, जिस भाव में और जो ईश्वर प्रदत्त है उस स्थिति में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। अगला है हमारा यम के अंतर्गत सौत, संतोष और तप। तप का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि जंगल में जाकर के आप आंख बंद करके सभी मौसम को सहन कर रहे हैं और भूखे प्यासे रह करके जीवन व्यतीत करना है, यह नहीं है तप। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाले विभिन्न दुखों को यदि हम बहुत ही निडर होकर सहन करते हैं, जीवन में जितने भी दुख आते हैं यदि हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं और किसी भी स्थिति में यदि हम अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोते हैं, तब यह कहा जा सकता है कि जब कोई मनुष्य अपने मन और शरीर इन दोनों ही स्थितियों को साध लेता है तो वह जो स्थिति कहलाती है वह तप कहलाती है। और तप के द्वारा ही व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के रहस्य को जान सकता है, यह तप है। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय सुअध्ययनम स्वाध्यायः, अर्थात जो उत्तम अध्ययन है वही सुखकर अध्ययन है, क्योंकि अध्यात्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वाध्याय को पालन करना चाहिए, अर्थात कल्याण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ईश्वर के नाम और भक्ति में लीन हो जाना। इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध स्थापित होना, अर्थात स्वाध्याय विधि अध्यात्म की प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है कि इसमें ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का विश्वास अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह भक्ति की ओर प्रेरित नहीं हो सकता है। अर्थात इसमें साधक स्वयं को भूलकर उस परमपिता में लीन हो जाता है और इस भक्ति में लीन हो जाना ही ईश्वर प्राणिधान है, और ईश्वर प्राणिधान में व्यक्ति निर्भय और चरित्रवान बनता है। अर्थात जब तक व्यक्ति की ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह व्यक्ति उसे भक्ति में लीन नहीं हो सकता है। अर्थात जो नियम के पांच प्रकार बताए गए थे, सौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, अब हम आते हैं अष्टांगिक मार्ग में आसन की ओर। अर्थात आसन वह स्थिति कहलाती है जिसमें व्यक्ति को जिसमें व्यक्ति स्थिरता पूर्वक सुख से बैठ सके। योग में, क्योंकि योगाभ्यास के काल में, साधना के समय में जिस ढंग से बैठने का योगी की जो स्थिति होती है जिसमें वह सुख की अनुभूति करता है वह आसन कहलाता है। सूत्रकार के अनुसार ततो द्वंद्वान विघातः, अर्थात आसन सिद्ध होने पर द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें ना तो सर्दी न गर्मी की स्थिति महसूस होती है, न भूख और न प्यास, अर्थात द्वंद्व सताते ही नहीं हैं, वह आसन कहलाता है। अब आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात जो योग दर्शन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। अर्थात यह चित्त की चंचलता का निरोधक है, अर्थात उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रवास की गति को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। अर्थात प्राणायाम यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ कि श्वास पर नियंत्रण रहकर जीवन शक्ति को विकसित करना है।
अब प्राणायाम भी तीन प्रकार के बताए गए हैं, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम। पूरक प्राणायाम क्या है? जब बाहर की वायु को हम अंदर की ओर खींचते हैं, वह स्थिति जो है पूरक प्राणायाम कहलाती है। कुंभक, जो सांस हमने अंदर रोक रखी है, वह सांस की स्थिति को हम कुंभक कहते हैं। और रेचक, जिस प्राणायाम में अंदर की वायु को हम बाहर की ओर निकालते हैं, वह स्थिति जो है रेचक कहलाती है। तो प्राणायाम के तीन प्रकार हुए, पूरक, कुंभक और रेचक। अगला आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार भी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, प्रति और आहार, जिसका अभिप्राय है इंद्रियों का विषय वासना से दूर रखना व नियंत्रण करना। अर्थात जब इंद्रियां अपने आप विषय, जब इंद्रियों का विषय से संपर्क नहीं होता है, तो चित्त के स्वस्थ के समान ही वह भी स्वस्थ हो जाता है। अर्थात इंद्रियों का अपने आप ही विषयों के साथ संबंध बंद हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, धारणा वह स्थिति है जिसमें मनुष्य आंतरिक विषय से जुड़ा होता है। धारणा को ध्यान और समाधि का लक्षण भी कहा जाता है। योग सूत्र के अनुसार देश बंधिश चित्तस्य धारणा, अर्थात धारणा का अर्थ है धारण करना। शरीर के भीतर व बाहर किसी विशेष में चित्त को स्थिर करना धारणा कहलाता है। अर्थात धारणा से मन में स्थिरता और मन शांत तथा एकाग्र हो जाता है, और धारणा के मार्ग पर चल करके ही व्यक्ति जो है ध्यान व समाधि तक पहुंचने में सरलता होती है। अगला है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम, अर्थात जिस स्थान में ध्येय के रूप में धारणा द्वारा चित्त वृत्तियों को लगाया जाए वह ध्यान कहलाता है। और लास्ट है समाधि। समाधि वह स्थिति कहलाती है जिसमें ध्यान क्रिया और ध्यान विषय दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जिस स्थिति में ज्ञेय और ज्ञाता का अंतर समाप्त हो जाता है वह समाधि कहलाता है। अर्थात जिसमें मनुष्य परम आनंद की अनुभूति करता है, और जिसमें मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर समाधि की स्थिति की ओर बढ़ता है। समाधि वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, ना तो उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसे गर्म की, ना ठंड इत्यादि इस किसी की भी उसे महसूस नहीं होती है। वह जो स्थिति होती है वह समाधि कहलाती है। इस प्रकार से योग दर्शन में जो आष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, यम, नियम, आसम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, जब तक व्यक्ति इन आष्टांगिक नियमों का पालन नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति जो है वह परमात्मा की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता है, और ना ही वह मोक्ष की ओर प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सुमो जी। हाँ, यदि किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, तो वह क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक बार अपने बहुत सारे मित्रों का, स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं बोल नहीं रहा था, जिसमें मैं सभी को आशीर्वाद, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वह पूछ सकता है। कोई डाउट है? अभी जितना लेक्चर हुआ है, व्याख्यान दिया गया है, उसमें से कोई अगर प्रश्न है।
धन्यवाद।